कमलपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव के आधे से ज्यादा लोग बर्तन, कांच की चूड़ियां बनाने और उन्हें बेचने का काम किया करते थे। उसी गांव में गजोधर रहता था, जिसकी खुद की चूड़ियों और कंगन की दुकान थी। गजोधर बहुत ही सच्चा और ईमानदार दुकानदार था। वो तरह तरह की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। कंगन और चूड़ियों के व्यापार में गजोधर का साथ उसका साला प्रमोद दिया करता था। सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक प्रमोद तुम दुकान नहीं गए? कल रात मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसी वजह से सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। मैं तुरंत जा रहा हूँ और दुकान खोलूंगा। हमारी पहले से ग्राहकी कम है, ऊपर से तुम लापरवाही कर रहे हो, डुबा कर ये मानोगे क्या? गजोधर के ताने सुनकर प्रमोद गुस्से से घर से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त यानी कि श्याम मिल जाता है। अरे प्रमोद, इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है, यहाँ तो आ, चल हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तू भी आ जा। यार अभी दुकान खोलनी है, कल मैं सुबह आ जाऊंगा जल्दी उठ के तुम्हारे साथ खेलने। दुकान तो चलती रहेगी, चल अभी खेलते हैं। इतने में ही वहाँ गजोधर आ जाता है। तुम अब तक यहीं हो, मेरा व्यापार चौपट करके ही सांस लोगे क्या तुम? तुम्हें पता है कि आज या कल में हमारे दुकान को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलने वाला है चूड़ियों का, और तुमने फिर भी लापरवाही की। कब तुम्हें समझ आएगी, कब जाकर तुम आगे बढ़ने की इच्छा रखोगे? जी अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। कुछ ही देर में उनकी दुकान में शहर से व्यापारी आ जाते हैं। वैसे तो हम एक बार सुबह भी आपकी दुकान के पास आए थे, लेकिन उस वक्त दुकान बंद थी आपकी। अरे मैं वो थोड़ा घर के काम से हम बाहर थे इसलिए। वैसे हमें आपसे कांच के कंगन, चूड़ियों का सौदा करना है। हमारे राजस्थान में कांच के कंगन और चूड़ियां बहुत पहने जाते हैं, और आप जैसा अच्छा चूड़ियां बनाने वाला कोई हमें मिला नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा ऑर्डर स्वीकार करें। अरे ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। कहिए आपको कितने दर्जन चूड़ियां और कंगन चाहिए? हमें रंग बिरंगे कांच के कंगन पूरे 1,00,000 चूड़ियां चाहिए, और अगर आपने उसे समय से दे दिया तो हम आपके कंगन राजस्थान के हर गांव में पहुंचा देंगे। आपका काम पूरा हो जाएगा, हम आपके 1,00,000 कंगन बनाकर तैयार रखेंगे। और हाँ, उसमें कई तरह के डिजाइन भी शामिल होने चाहिए। व्यापारी अपना ऑर्डर बताकर वहाँ से चले जाते हैं। तब गजोधर प्रमोद से कहता है, देख और सुन तो तुमने लिया ही है, हमें कैसे भी अब 1,00,000 कंगन बनाने हैं। जीजा जी, ये सौदा करने के लिए मैं आपके साथ जी जान लगा दूंगा। गजोधर और उस व्यापारी के बीच कंगन की डील वाली बात गांव के कुछ अन्य चूड़ी कंगन बनाने वाले लोगों के पास पहुंच गई। तुमने सुना कि नहीं, गजोधर को किसी राजस्थान के बड़े व्यापारी ने 1,00,000 कंगन का ऑर्डर दिया, और अगर उसने ये कर दिया तो 1,00,000 का 2,00,000 भी हो सकता है, और वो भी 15 दिनों में। एक वो है और एक हम, हमारी चूड़ियां तो हमारे घर की बहू बेटियां भी नहीं पहनती। ये रहा सामान, चलिए जीजा जी अब हम काम शुरू करते हैं। गजोधर और प्रमोद दिन रात कड़ी मेहनत करके बाजार से ब्याज पर पैसे उठाकर 1,00,000 कंगन बनाकर तैयार कर देते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाती है। रंग बिरंगे कंगन बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे अब बनकर तैयार थे, लेकिन उनके साथी दुकानदारों को ये बात हजम नहीं होती। बस 2 दिन बचे हैं, वरना गजोधर सौदा ले जाएगा। अरे तो हम करें भी तो क्या करें? अरे तुम हमेशा ऐसे ही बुद्धू ही रहोगे क्या? हम नहीं कर सकते तो क्या हुआ? मैं एक गुंडे को जानता हूँ, उसे बस कुछ पैसे देने हैं और देते ही वो अपना काम कर देगा। तो तुम उससे कह दो कि जब प्रमोद 1,00,000 कंगन लेकर राजस्थान के लिए निकलेगा तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दे, ना कंगन बचेगा ना व्यापार। ठीक वैसा ही हुआ। प्रमोद गाड़ी भरकर सारे कंगन वक्त से पहले लेकर जा रहा था,
तब उन गुंडों ने एक बड़ा सा ट्रक प्रमोद की छोटी सी गाड़ी से भिड़ा दी। प्रमोद की जान तो बच गई, लेकिन सारी चूड़ियां और सारे कंगन टूट गए। अरे नहीं, मेरे कंगन! हे भगवान, सारी मेहनत खराब हो गई। प्रमोद उसी हालत में घर जाकर अपने जीजा गजोधर और अपनी दीदी को सारी बात बताता है। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। बाजार से ब्याज पर पैसे तक ले लिए थे। जब तुम्हें भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। मैं क्या करता, मेरी भी जान जैसे तैसे ही बची और मैं वहाँ से खाली हाथ आ गया। गजोधर प्रमोद की बात सुनकर गुस्से से घर से निकल जाता है। प्रमोद जानता है कि वो इन सब का जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सहम जाता है। दीदी, मेरे जीजा जी ने इतनी मेहनत की और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कांच के कंगन है, मिट्टी के तो नहीं, जो ना टूटेंगे। और कांच के कंगन बनाने में समय भी तो लगता है। जैसे ही प्रमोद ने अपनी दीदी से मिट्टी के कंगन की बात सुनी, वैसे ही उसके मन में एक विचार आया। उसी दिन सुबह प्रमोद अपने दोस्त श्याम के साथ व्यापारी को देने के लिए मिट्टी के कंगन बनाना शुरू कर देता है। पूरा दिन मिट्टी से कई प्रकार के कंगन, चूड़े और कलाई में पहनने वाले कड़े बनाता है और फिर रात को उन्हें आग में तपाता है, जिससे कि कंगन पक सके और ज्यादा मजबूत हो जाए। और उसके बाद उन्हें अलग अलग रंग से कलर कर देता है। भाई, हमने कर दिखाया, जाकर तुम अपने जीजा जी को ये चीजें दिखा दो। अभी नहीं, मैंने उस व्यापारी को अपने घर बुलाया है, वो आज आएंगे, तब हम उन्हें ये मिट्टी के कंगन दिखाकर सौदा करेंगे। दोनों दोस्त व्यापारी का इंतजार करने लगते हैं। गजोधर भी घर आ जाता है और आकर व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब इस व्यापारी को क्या मुंह दिखाऊं? कैसे कहूं कि सारे कंगन एक्सीडेंट की वजह से टूट गए? जी, सारे कंगन तैयार हैं, बस हमें आपका ही इंतजार था। नेकी और पूछ, मैं आया ही कंगन लेने हूँ, चलो मुझे चलकर दिखाओ। प्रमोद व्यापारी को मिट्टी के कंगन दिखाता है। गजोधर मिट्टी के कंगन देखकर हैरान हो जाता है और व्यापारी भी। अद्भुत अद्भुत, ये हुई ना बात, हम इसी चीज की तलाश में तो थे। वाकई बहुत अच्छी कारीगरी, रंग बनावट सब कुछ बहुत अच्छा है। जी, बचपन से ही मिट्टी के सामान बनाने का शौक था, आज वही काम आया। मुझे ये डील मंजूर है, तुम्हारी कारीगरी मुझे बेहद पसंद आई। हमारे राजस्थान में ऐसे कंगन खूब बिकेंगे। व्यापारी के इतना कहते ही गजोधर खुशी से झूम उठता है। मैं तुम्हें हमेशा से निकम्मा समझता था, लेकिन तुम तो हीरा निकले। खुश रहो, वाकई तुम्हारा साला बहुत होनहार और बहुत ही मेहनती है। कुछ समय बीतने के बाद मिट्टी के कंगन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। कंगन के साथ साथ लोग कड़े, मिट्टी का घड़ा और कलाई बंद ऐसी चीजें खरीदने लगते हैं। और ये सब देखकर दूसरे दुकानदारों की बोलती भी बंद हो जाती है। कुछ ही समय में गजोधर और प्रमोद का व्यापार आसमान छूने लगता है। एक गांव में नीतू और निशा दो बहनें रहती थीं। नीतू का एक बेटा शिवा भी था, जबकि निशा की कोई संतान नहीं थी। दोनों बहनें बाजार में जाकर चूड़ियां बेचती थीं। निशा अभी तक माँ नहीं बनी थी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था और इसलिए वह खुश रहती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों के पति आए। नीतू का पति सामान लेकर आया, उसका बेटा शिवा दौड़ते हुए आया। पापा, मेरे लिए क्या लाए हो? तेरे लिए खिलौने लाया हूँ। हाँ, पूरा बिगाड़ कर दो इसे, क्योंकि तुम्हें तो झेलना नहीं पड़ता। तुम तो एक महीने में घर आओगे, पूरे महीने मुझे इसे झेलना पड़ता है। अरे तुम तो आते ही भड़क रही हो। जो सच है वही बता रही हूँ। अच्छा, कैसे करूँ मैं? घर का पूरा खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। मैं कैसे कैसे घर चलाती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। एक तो मेरी चूड़ियाँ भी इतनी नहीं बिकती हैं। निशा को देखो,
जाते ही सारा माल बिक जाता है। वो बहुत खुश रहती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, फिर भी तुम उससे इतना चिढ़ती हो। वो खुश है तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। ऐसी क्या बात है जो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? तुमसे बहस करना ही बेकार है। नीतू कहकर अंदर चली गई। उसका पति भी चुप हो गया। दूसरी तरफ निशा का पति भी घर आ गया और उसके लिए चूड़ियां ले आया। अरे आ गए आप, बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। निशा ने अपने पति को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। मुझे तुम्हें ये बताना है कि मैं इस बार भी पैसे नहीं बचा पाया। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए साड़ी लानी थी, तुम वो कब से लेना चाहती हो लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। इस बार तो मैंने भी कम पैसे कमाए हैं, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं थे मैंने उन्हें ऐसे ही चूड़ियाँ दे दी। ये तो सही किया तुमने, लेकिन मैं इस बार पक्का पैसे बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए साड़ी ला पाऊंगा। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो हम ज्यादा पैसों का क्या करेंगे? निशा अपने पति से बात करने लगी। उसने अपने पति पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुसीबत के समय में उसका साथ दिया। हर रोज की तरह आज भी निशा और नीतू दोनों बहनें चूड़ियां बेचने गईं। निशा, तू अपनी दुकान मुझसे दूर लगाया कर, क्योंकि मेरे ग्राहक तेरे पास पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती है, और वो सब तेरी वजह से, क्योंकि सब तेरे पास आ जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं अपनी दुकान दूर लगा लूंगी। निशा वहां से दूर चली गई और जमीन पर एक कपड़ा बिछाकर दुकान लगा ली। नीतू ने भी अपनी दुकान लगा ली। तभी नीतू की दुकान पर एक छोटा लड़का आया। आंटी जी, मेरी माँ को ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दीजिए। ये 30 रुपए की हैं। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मुझे 20 रुपए की चूड़ी दे दो। क्या 20 रुपए में क्या चूड़ी आती है? चल निकल यहाँ से। आंटी दे दो ना चूड़ी, मेरी माँ पैरों से चल नहीं सकती, मैंने ये 20 रुपए ही जमा किए हैं। तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, मुझे ही लूटने आया है। वो लड़का वहाँ से निशा के पास चला गया और उसे अपनी माँ की हालत बताई। बेटा, ये चूड़ियाँ तू मेरी तरफ से अपनी माँ के लिए ले जा, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, और इन पैसों की मिठाई खा लेना। लड़का खुशी खुशी वहाँ से चला गया, लेकिन निशा के अच्छे व्यवहार के कारण उसका सारा सामान आज भी बिक गया। लेकिन नीतू का आज भी माल नहीं बिका। नीतू गुस्से से अपने घर गई। बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी छोटी बहन ने ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली है। मैं निशा को सबक सिखा कर ही रहूंगी। जरूर इसके पास कोई जादुई शक्ति है, जिसकी मदद से ये अपना सारा माल बेच देती है। नीतू निशा का राज जानने की कोशिश में लग गई। हर रोज की तरह नीतू और निशा आज भी अपनी चूड़ियां बेचने गई थीं। तभी वो लड़का हाथ में एक पोटली लेकर निशा के पास आ गया। आंटी जी, ये आपके लिए माँ ने भेजा है। निशा ने बहुत उत्सुकता से वो पोटली खोली और देखा कि उसके अंदर एक चमकदार कंगन था। ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। ये जादुई कंगन है और ये आपके इंसानियत का उपहार है। इतना कहकर लड़का वहाँ से अदृश्य हो गया। निशा ने उस कंगन को अपनी चूड़ियों की टोकरी में रख दिया। कंगन के रखते ही सारी चूड़ियाँ सोने की हो गईं। निशा यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपनी ये खुशी अपनी बहन नीतू को बतानी चाहिए। और वह दौड़कर अपनी बहन के पास गई और उसे सारी बात बताई। निशा, इस कंगन पर मेरा हक है। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? वो लड़का सबसे पहले मेरे पास आया था, मैंने ही उसे तेरे पास भेजा था, इसलिए ये कंगन मेरा हुआ ना? नहीं दीदी, ये कंगन मेरा ही है। अगर आपको सोने की चूड़ियाँ चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तुझसे बड़ी हूँ और तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तो तू क्या करेगी इसका? नीतू ने जबरदस्ती निशा से वो कंगन छीन लिया और अपने घर चली गई। निशा भी चुपचाप अपनी सोने की चूड़ियां लेकर घर चली गई। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। सच कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और आज भगवान ने मुझे बहुत दे दिया।
अब सारी चूड़ियाँ सोने की बना दूंगी और कल चूड़ियाँ खरीद कर ले आऊंगी। वाह, मजा आ गया। नीतू के घर में जितने भी पैसे और चूड़ियाँ थीं, उसने सब एक जगह इकट्ठा की और उनमें कंगन रख दिया। लेकिन कंगन जादुई था, उसने उसमें आग लगा दी और सारा माल राख हो गया। नीतू सिर पकड़ कर रोई और खूब पछताई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उसे उसके लालच ने ही डुबा दिया।